हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनु सिंघल आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, होली आने वाली है। आज मैं आपके लिए एक होली स्पेशल मस्त गेम लेके आई हूँ, वो भी ग्रुप गेम। ऐसा गेम जो हम सब एक साथ मिलके सर्किल में बैठ के खेलने वाले हैं। इसके लिए कम से कम आपके कितने मेंबर भी हो, चार कलर के गुलाल हमें चाहिए। गुलाल बस एक एक चम्मच ही चाहिए, जैसे जितने मैंने रखे हैं इतने गुलाल। 30-40-50 लोगों की गैदरिंग के लिए भी काफ़ी होगा। मैंने पांच कलर ले रखे हैं, मुझे पांच कलर थे, लेकिन आपके पास कम से कम चार कलर होने चाहिए इस गेम को खिलाने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, गुलाल लेके एक प्लेट में रख दीजिए या अलग अलग कटोरी में भी आप रख सकते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब हम सर्किल में लोगों को बिठा देना है, और जितनी जैसे ये सर्कल मैंने एक फोटो काट के आपके रखा है कि ये आपको समझ में आ जाए कि ये गेम कैसे हमें खेलना है मेंबर्स के। सपोज मेरे सर्कल में छह लोग बैठे हुए हैं, मेरे ग्रुप में छह लोग हैं, छह लोगों की पिक मैंने यहाँ पे ली हुई है। उसके बाद जितने आपने गुलाल लिए हुए, जितने कलर के, चार पाँच या छः, उतनों की आपको एक चिट बना लेनी है और उस पर कुछ नंबर दे देने हैं। बस 1, 2, 3, 4, 5, किसी को 1, किसी को 2, रैंडमली जिसका आपका जितना देने का मन हो वो चिट मैंने बना के यहाँ पे रख ली है। अब मेंबर से क्या कहना है, सर्किल सेंटर टेबल पे आपको प्लेट रख देनी है। हर मेंबर से कहना है गुलाल वो उठाए उंगली से और अपने दोनों गालों पे कोई भी दो कलर लगा ले। ये पांच कलर दिए हुए, आपको कोई भी दो कलर उठाना है ऐसे उंगली से और ऐसे करके ऐसे लगा देना है। इसमें फ्रेंड पेपर है तो ये दिखेगा नहीं गुलाल, इसलिए मैंने स्केच पेन रखे हुए सेम कलर के, आपको गेम क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए। लेकिन जब फ्रेंड्स आपकी गालों पर गुलाल लगाएंगी तो होली की पार्टी का मजा दुगना हो जाएगा। ये मैंने अपनी होली की पार्टी में खिलाया हुआ है, खेला हुआ है, बहुत सुंदर लोगों के चेहरे लगते हैं जब कलरफुल। एक टिप लगती है गुलाल की, मल्टी कलर, किसी ने पिंक लगाया होगा, कहीं से एक चीक पे पिंक, एक पे रेड, ग्रीन, पर्पल, इस तरह से कोई भी कलर्स होते हैं तो बहुत मजा आता है। अब जब सब मेंबर से आपने कह दे कोई भी दो कलर, वो चूज करके उंगली से अपने गालों पर लगा लें, एक कलर इस लेफ्ट गाल पे, एक कलर राइट गाल पे। अब सपोज इन मेंबर ने एक में ग्रीन लगाया, इन्होंने इधर ग्रीन लगाया, इन्होंने ग्रीन लगाया ही नहीं। अभी आप गेम पूरा देखेंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन। इन्होंने रेड लगाया, इन्होंने रेड लगाया, इन्होंने पर्पल लगाया एक गाल पे, इन्होंने पर्पल लगा लिया। अब इन्होंने येलो लगाया, इन्होंने भी येलो लगा लिया। अब बचा पिंक, इन्होंने पर्पल और पिंक कॉम्बिनेशन हो गया, इनका येलो और पिंक कॉम्बिनेशन हो गया, इनका बचा है, इन्होंने रेड लगा लिया ग्रीन के साथ। कॉम्बिनेशन हमारे मेंबर्स रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा है चार पांच मेंबर्स का भी एक ही कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किसी का कोई भी हो सकता है। देखिए हमारे अब छहों मेंबर्स ने, मैं आपको अभी ऐसे करके दिखाती हूँ, छह मेंबर्स ने दोनों गालों पे एक एक डॉट लगा ली है। अब हम स्कोर पे आते हैं। अब इस प्लेट को हम साइड में रख देते हैं, ये हम ऐसे करके रख लेते हैं और हम सबका स्कोर लेते हैं। अब येल्लो के हैं 5, तो जिसने भी येल्लो लगाया है उन्हें हम 5 मार्क्स दे देंगे, इनके 5 हो गए। अब रेड के हैं 1, इनके भी 5 हो गए, इनके रेड के 1 हो गए, येलो के और रेड इन्होंने भी लगाया है, इनके भी 1 हो गए रेड, इन्होंने भी रेड लगाया है, इनके भी 1 हो गए। ऐसे ही स्कोरिंग हमारी आ जाएगी। पर्पल के हैं 2 पॉइंट्स, जिन्होंने पर्पल लगाया है उनके 2 हुए, इनके 2 हुए, और बस पर्पल 2 लोगों ने लगाया है। अब ग्रीन को हमने दिए 4 पॉइंट्स, इनके 4, इनके 4, इनके 4। अब हमारा बचा पिंक, पिंक के हैं 3 पॉइंट्स, ये हमारा स्कोर आ गया फ्रेंड्स। अब इनके हुए 5 पॉइंट्स, 4 और 1, 5, इनके हुए 3 पॉइंट्स, इनके हुए 8 पॉइंट, इनके हुए 5 पॉइंट, इनके 5 पॉइंट, और ये सबसे लास्ट में जो हमारे मेंबर हैं इनके हुए 9 पॉइंट, 5 और 4, 9। तो हमारा विनर तो हमें मिल गया है, ये जो मेंबर बैठी हैं इनके 9 हुए, और जो सेकंड अगर हमें विनर देना है तो इनके 8 पॉइंट्स हुए, ये तो मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स ये तो मेरे 6 लोगों में था इसलिए टाई नहीं हुआ है, कई बार हमारा टाई हो जाता है, टोटल सेम आ जाता है। अब हम क्या करें उसके लिए मेरे पास एक राउंड का आइडिया और है। जिन 4-6 मेंबर्स का, हर में 4 या 6 मेंबर्स, अगर आपकी बहुत बड़ी गैदरिंग है तो टाई होगा, तो उन 2 या 3 मेंबर्स को आप फिर से गेम कराएं, बाकी सारे लोग साइड में बैठे रहेंगे, सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स को फिर से गेम कराएं,
फिर से उनके आगे प्लेट लेके जाएं, उनसे कहें कोई भी दो कलर चूज करिए और अपने गालों पे सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था वही उनसे करवाना है। लेकिन उसके बाद ये जो चिट्स पहले राउंड की थी चिट्स हमारी साइड में हो जाएंगी, एक चिट का सेट दूसरा बना के आपको रखना पड़ेगा दूसरे राउंड के लिए, वो किसी को शो नहीं होगा। इसमें बिल्कुल उल्टा मामला होगा, जिन कलर्स के नंबर आपने उसमें ज्यादा रखे होंगे इसमें उल्टे रखे होंगे, कम रखे होंगे। तो अब जो फ्रेंड्स आपकी दो या तीन रह गई होंगी जिनका टाई में एक साथ आया होगा, उनसे भी कलर्स आप सेम प्रोसेस में लगवा लीजिए और फिर चिट से देख लीजिए किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो हमारा फर्स्ट या सेकंड विनर, आप उसको जितने विनर देने हैं उस टाइप से आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अब लाइक करके बताना है कि आपको गेम पसंद आया कि नहीं आया। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे इंस्पिरेशन देते हैं हर बार एक नया वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।